सर कई टाइम से देखा। उसके बाद दूसरा जो अभी हुआ है तो इस जो टीम को हम लोग हमारी पुलिस पार्टी इसको जो ट्रैक कर रही थी और ये इसका मकसद था जो श्राइन बोर्ड के गार्ड पर अटैक करके उसका डिफेंस करने। फिर पुलिस पार्टी पर देखते ही उसने फायर किया। पुलिस पार्टी जैसा आप लोग देखेंगे ब्लड के स्टैंड है पुलिस हमारी पोस्ट बगल में, पुलिस ने रिटेलिएट किया जिसमें एक पाकिस्तानी मिलिटेंट मारा गया है। यह पिछले 6 महीना से श्रीनगर में एक्टिव था, बहुत सारे किलिंग इन्वॉल्व है। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें इन्होंने कुछ आप लोग देखे होंगे कुछ सीनियर ऑफिसर अटैक करने की बात कहा था। ये पाकिस्तानी मिलिटेंट मारा गया है, दो भागने में भाग गया ऑटो में बैठ के, सीसीटीवी कैमरा में दिख रहा है लेकिन उसको भी हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी। विजय जी हजरतबल एक रिलीजियस प्लेस है, रिलीजियस प्लेस है हजरतबल, फॉरेन टेररिस्ट का नंबर न्यूट्रलाइज हो रहा है। डू वी हैव मोर नंबर ऑफ फॉरेन टेररिस्ट इन श्रीनगर? बिल्कुल, जैसा मैं बार-बार कहता हूँ जम्मू कश्मीर पुलिस का, साथ ही श्रीनगर पुलिस का इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। ये लोग सिविलियन पर अटैक करते हैं, पुलिस पर अटैक करते हैं और कुछ जो आम आदमी को इनोसेंट पर अटैक करते हैं और बोलते हैं मुखबिर है जो सरासर गलती है। आप लोग हरदम पैसेंज देते हैं, हम लोग कोई भी रिलीजियस प्लेस हो जैसे आज वहाँ का मस्जिद बात हुआ, श्राइन बोर्ड का कुछ डैमेज नहीं हुए, ना कुछ नहीं कोई डैमेज हुआ ना कोई इंजर्ड हुआ, बहुत कलेक्टर डैमेज को मेंटेन करते हुए हम लोग पाकिस्तानी मिलिटेंट हो या लोकल मिलिटेंट को उसको हम लोग। विजय जी रिलीजियस प्लेस है हजरतबल मानी जाती है, अलग ही श्रद्धा है हर तबके के लोगों के लिए, कोई खास प्लान एक्सपेक्ट करते हैं जो ये जानबूझ कर यहाँ किया? इसका मकसद था ये चाहे जो पुलवामा मस्जिद की बात हो या श्राइन का है, इसमें घुस जाए, सिक्योरिटी फोर्स के साथ एंगेजमेंट करे, न्यूज फैलाए और लोगों को धार्मिक भावनाओं को भड़काए, लॉ ऑर्डर क्रिएट करे, लोग कामयाब नहीं होने देंगे। कल एक अटैक हुआ था जिसमें सरपंच को मारा गया है, एक दो दिनों से देखा जा रहा है फिर से जो 20 उस टेररिस्ट को, 3 टेररिस्ट था जिसमें 2 को आइडेंटिफाई कर ले, उमर तेली था लड्डू पामपोड़ का, लश्कर तबा से रखता है, बिलोंग करता है, उसको बहुत जल्दी इंटरेक्ट कर देंगे। देखा देखा मैंने ट्वीट पहले कर दिया हो, इसमें दोनों एंगल से देख रहे हैं, टेरर क्राइम के एंगल से भी देख रहे हैं, हो सकता है आपसे किसी झगड़ा हुआ हो, कोई मर्डर कराया हो, दोनों एंगल से हम तफ्तीश और जा रहे हैं। सर बड़गाम टेरिटोरियल आर्मी का जो बंदा इसको मिसिंग था सर, रिकवरी क्या अभी हुई? अभी पिस्टल मिला है, पिस्टल मिला है, उन्होंने बता दिया। थैंक यू सर, थैंक यू।